की कोकीन के साथ दो विदेशी नागरिक गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की नशा विरोधी प्रकोष्ठ ने 6 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ के साथ दो नाइजीरिया आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाकर आरोपियों को अंधेरी इलाके से दबोचा गया। आरोपियों के पास के बेहद उच्च गुणवत्ता वाली कोकीन बरामद की गई है। बरामद कोकीन की कुल कीमत करीब 6 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम डेनियल इजीएके और जॉन फ्रांसिस है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अंतरराष्ट्रीय बाजार में ड्रग्स की तस्करी करते थे। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि दो लोग नशे की खेप के साथ अम्बोली इलाके में आ रहे हैं। एएनसी की बांद्रा यूनिट ने अंधेरी पश्चिम स्थित अम्बोली इलाके में जाल बिछाया और सीजर रोड के एक स्कूल के पास के आरोपियों को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान एक के पास से 505 ग्राम और दूसरे के पास से 500 ग्राम हाई क्वालिटी कोकीन बरामद हुई है। बरामद कोकीन की कुल कीमत करीब 6 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए चैनल